प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक भारतीय होने के नाते मुझे प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है। उनकी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा न केवल देश के सम्मान को बढ़ाती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की मजबूत पहचान को भी बढ़ाती है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अगर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि भारत ने हर क्षेत्र में योगदान दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अलग अलग कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत पहचान को दर्शाता है। क्वाड समिट में भी अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। यह एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत की ओर एक कदम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और इस यात्रा के सफल समापन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। एक बार फिर से एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उनकी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस तरीके से न सिर्फ देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती हैं, बल्कि जिस तरीके से हमारे देश की मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाने का काम करती हैं, हर डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से आज की तारीख में भारत का एक महत्वपूर्ण से है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है, भारत जब आज की तारीख में बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि भारत का वो कॉन्ट्रीब्यूशन अब रहा है हर क्षेत्र में। इस बार के विजिट में भी आप देखें जिस तरीके से अलग अलग कंपनी के सीईओ से, ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, जिस तरीके से भारत से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स थे उसको जिस तरीके से 297 ऑफ देम को वापस लाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की एक मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने का काम करता है। क्वाड समिट के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी गए थे, क्वाड चार देशों का ये समिट है, उसमें जिस तरीके से भारत की एक महत्वपूर्ण योगदान है, अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई, सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो, आपने टेररिज्म का जिक्र किया, इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम है। और इसके लिए मैं पुनः मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उनको एक बार फिर से एक सफल यात्रा के लिए ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं।